मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मेट्रो सबसे कन्वीनियंट लगती है सफ़र करने के लिए, इसलिए मैंने सबसे पहले मेट्रो पकड़ी और उसके बाद सीधा मैं पहुँच गया हुमायूं टॉम्ब। हुमायूं टॉम्ब पर जाकर देखा तो वहाँ पहली बार मैं कई बार चला गया, लेकिन पहली बार मैंने वहाँ पर इतना रश देखा कि टिकट पर लाइन लगी हुई थी या कुछ टिकट इस तरह का दिखता। फिर एंट्री गेट से एंट्री करी, गार्ड ने सिक्का लिया और मतलब टिकट लिया और उसमें डाला। उसके बाद अंदर एंट्री करते ही राइट हैंड साइड चलेंगे तो वहाँ पर है ईसा खान टॉम्ब। अंदर से कुछ इस तरह का दिखता है ईसा खान टॉम्ब। गेट से एंट्री करते ही अंदर की तरफ ईसा खान नियाज़ी की कब्र है और इसके साथ कई सारी कब्रें हैं इनका मुझे पता नहीं। यहाँ पर आप चाहें तो गाइड भी कर सकते हैं, गाइड पूरा बताते हैं इसके बारे में कि कब बनवाया गया था, क्या था, इसका आर्किटेक्चर कैसा है, इसको रेस्क्यू कब किया गया, रेस्टोरेशन कब हुआ, किसने किया। जहाँ तक मुझे पता है कि 2011 से 15 के बीच AKTC और ASI के कोलैबोरेशन में इसका रेस्टोरेशन किया गया। हाँ जी, तो अब मैं बताता हूँ आपको थोड़ा ईसा खान टॉम्ब के बारे में। ईसा खान टॉम्ब की हिस्ट्री यह है कि इसको 1547 में बनवाया गया था मुगल्स के द्वारा। मैन हुमायूं टॉम्ब जो है उसे देखने के लिए जब हम अंदर की तरफ एंट्री करते हैं सबसे पहला गेट ये आता है, उसके बाद ये सेकंड गेट आता है। सेकंड गेट के जस्ट राइट हैंड साइड में ईसा खान के मकबरे की खुदाई के दौरान प्राप्त जो अवशेष हुए थे वो रिस्टोर करके रखे गए हैं एज अ म्यूज़ियम। छोटा सा म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम टाइप है ये। और ये छोटी छोटी चीज़ें जो वहाँ से मिली हैं, जब इसे रेस्टोरेशन का प्रोसेस इसका चला था, जब जो चीज़ें मिली थी वो यहाँ रिस्टोर करी गई हैं। उसके बाद आगे ये 3D मॉड्यूल है, पूरा टॉम्ब का मॉड्यूल है ये। यहाँ से आप देख सकते हैं कि टॉम्ब में क्या क्या चीज़ें हैं, तो एक ही साथ इसको दे दिया। इसमें आप पूरा चेक कर सकते हैं क्या चीज़ कहाँ है, कितने गार्डन हैं और सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर 3D में दर्शाई गई है। और ये जो यहाँ पर दिया हुआ है ये मुग़लों के जो मकबरे हैं, जैसे कि बाबर का मकबरा काबुल में है तो उसका बताया हुआ है, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है और ये जहांगीर का मकबरा कहीं और है, तो इस तरह सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई थी। ये मकबरे के बिल्कुल पास हूँ मैं और ये जो जिस पॉइंट पर मैं खड़ा हुआ हूँ इस टाइम, ये पॉइंट फोटो लेने के लिए सबसे बेस्ट है। मैं दिखाता हूँ आपको इस पॉइंट। Nowhere to go, so far from home. Is this what giving up feels like? I don't know. Tell me, have I lost my mind? So I break these walls and hold my head up high, and I step my ground until the day I die. As the rain falls down, हुमायूं टॉम्ब के मेन गेट से एंट्री करने के बाद सबसे पहले हुमायूं की कब्र आती है। ये इसका 360 डिग्री व्यू मैंने कैप्चर किया है, ये कुछ इस तरह दिखती है। असल में कब्रें तो इनकी नीचे होती हैं, ये ऊपर तो इन्होंने ऐसी बनाया हुआ होता है। और आगे चलने के बाद इसमें काफ़ी सारी कब्रें हैं, क्योंकि ये मकबरा है तो मकबरे में कब्रें ही होती हैं,
जिसमें काफ़ी सारी कब्रें हैं, उनके बारे में कुछ खास लिखा हुआ नहीं है कि किसकी कब्रें हैं किसकी नहीं है, तो इसलिए इन्फॉर्मेशन पूरी मिल नहीं पाई उसकी। आपको इस डिज़ाइन पर नेट, ये नेट नज़र आ रही है, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि ये नेट क्यों लगाई गई है, क्योंकि यहाँ पर लोग बाग हाथ निकाल करके दूसरी तरफ हाथ पकड़ के और अपने साथी का वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करते होंगे, उससे बचाने के लिए इसको सिक्योर रखने के लिए इस नेट का इस्तेमाल किया गया। पूरा टॉम कवर करने के बाद अब टाइम आ गया एग्जिट करने का, शाम के बज गए 4:30 और मैं चल दिया अपने घर। आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, बाय बाय।